नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद नेता तेज प्रताप यादव समेत राजद के कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में थाली पीटकर गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली का विरोध किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वर्चुअल रैली के ढोंग से एक्चुअल सच्चाई को छिपाना चाहती है। किसान और मजदूर भूखे मर रहे, गरीबों की थाली खाली है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है, सत्ता पाने के लिए चुनावी राजनीति में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिहार के सभी वाम दल भाजपा के वर्चुअल रैली के विरोध में रविवार को विश्वासघात अधिकार दिवस मना रहे हैं। वाम दलों ने जनशक्ति भवन के सामने अमरनाथ रोड पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, भाकपा माले के धर्मेंद्र झा, माकपा राज्य सचिव अवधेश कुमार, फॉरवर्ड ब्लॉक के अमरीका महतो आदि मौजूद थे। और इधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव भी रविवार को सोशल मीडिया पर बिहार बचा लो मौका है कैंपेन की शुरुआत की। देश भर के जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस कैंपेन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। बिहार भाजपा ने रविवार को होने वाले गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल यानी डिजिटल रैली को रियल रैली के रूप में पेश करने की तैयारी की है। इस वर्चुअल रैली में वह सब होगा जो आम रैलियों में होता है। जगह भले ही किसी मैदान के बदले डिजिटल प्लेटफॉर्म का होगा, लेकिन सामान्य रैली की तरह इसमें भी आगंतुकों का स्वागत और सम्मान से लेकर कुछ वक्ताओं का संबोधन होगा। इसका प्रसारण YouTube, Facebook, Twitter और कुछ स्थानीय चैनलों पर होगा। प्रदेश से लेकर जिला व मंडल के साथ ही बूथ स्तर पर भी इस रैली का पार्टीजन सुनेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्र में TV और LED स्क्रीन लगाया गया है। सभी मोर्चा ने अपनी ओर से 200 स्थानों पर TV स्क्रीन लगाया। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि BJP देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक है उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा, BPL में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा, देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का आप 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार है, और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतर आत्मा की उपज है। उनको रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे, इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंतजाम और सुविधा वहाँ पर हुआ था, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पहले भी वो कमांडर थे और अभी कमांडर हैं। क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर किया। सुशील मोदी जी आ जाए या हमको समय दे दें, हमको वीडियो दिखा दें, अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो सर सामने देखिए, अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी तो हम जो है वीडियो दिखा सकते हैं, क्या व्यवस्था। और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है NMCS। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया, तो आप समझ सकते हैं जो एकमात्र कोविड है उसका आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए। काश सुशील मोदी जी वही जाकर के देखते कि थाली में, थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं खाने में, खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि BJP के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो BJP के बिहार के, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हम विपक्ष ने आवाज उठाया तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री उनको बैठाना शुरू किया। सामने देख के तेजस्वी जी, खाली पीटने का काम सर सामने देख के, हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक,
रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। तो हो तो रहा क्या मतलब? और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार।